दोस्तों आपका फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम ऑन रिक्वेस्ट बहुत सारे बच्चे बोले, बहुत सारे पेरेंट्स भी बोले कि सर इस कॉलेज के बारे में भी बताइए, जो कि जिसका नाम है पूरनमल लहोती गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लातूर। ये लातूर का गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है, तो इसके बारे में हम पूरी कंप्लीट जानकारी लेंगे। ठीक है, तो क्या क्या हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो चीज़ें भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट, कौन से कोर्सेस यहाँ पर अवेलेबल है, लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था ताकि आपको अंदाज़ा लग सके कि आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं, फ़ी स्ट्रक्चर क्या था, और ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट मतलब कॉलेज में जॉब अवेलेबल है या नहीं, मतलब कॉलेज में अगर पास आउट होते तो कॉलेज से ही आपको जॉब मिलता है या नहीं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर मैं सबसे पहले बता दूँ आपको, अगर चैनल पर आप नए हैं या फिर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं इस्टेब्लिशमेंट मतलब कॉलेज कब से शुरू हुआ है। पूरनमल लहोती गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लातूर वॉज फाउंडेड ऑन 1962 में, मतलब बहुत ही पुराना कॉलेज है, बहुत ही ज़्यादा पुराना कॉलेज है। तो इसकी कोई चिंता नहीं करनी है आपको कि यार पुराना है कैसा होगा वैसा होगा, और गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो पुराना ही होता है वैसे, इसलिए ये कॉलेज अगर आपको मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी आपके लिए। लेकिन इस कॉलेज में अगर एडमिशन पाना चाहते हो तो आपका स्कोर भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट कॉलेज है तो ज़्यादा कंपटीशन होता है, बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इसका कट ऑफ ऑफकोर्स हाई जाएगा। ठीक है, तो कट ऑफ भी हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में कैटेगरी के साथ। तो चलिए अगला पॉइंट देखने वाले हैं, कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। तो चेकआउट कर सकते हैं आप स्क्रीन पे, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड मैकेनिक्स, ये सारे ब्रांचेस अवेलेबल है। तकरीबन सारे के सारे ब्रांचेस अवेलेबल है जो कि बच्चे लेना चाहते हैं। तो अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बन जाता है, क्या कट ऑफ था पिछले साल, ताकि आप अंदाज़ा लगा पाएँ कि इस साल मुझे एडमिशन मिलेगा या नहीं, मैं अप्लाई करूँ या नहीं, क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा चेंज नहीं होता है, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, इसलिए आपको अंदाज़ा लग सकता है। तो चलिए, मैंने सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर और आईटी का कट ऑफ तकरीबन सेम ही रहता है, तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी किसी और ब्रांच का आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिए, या फिर किसी और कॉलेज का आप रिव्यू चाहते हो तो वो भी कमेंट में बता दीजिए, कोई सजेशन है कमेंट में बता दीजिए। तो किसी भी प्रकार का डाउट आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। ठीक है, जैसे कि मैं सिविल की यहाँ पर बात करता हूँ, तो यहाँ पर दो सेक्शन मैंने बनाए हुए हैं, एक कट ऑफ है होम डिस्ट्रिक्ट का, दूसरा कट ऑफ है अदर देन होम डिस्ट्रिक्ट का। मतलब अगर आप लातूर से ही दसवीं किया है तो आपके लिए ऑरेंज कलर का कट ऑफ है, जो भी कलर है, और अगर आप लातूर से बाहर से दसवीं किया है तो आप होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं आते हैं, राइट, और फिर लातूर में एडमिशन लेना चाहते तो ये ब्लू कलर का कट ऑफ आपके लिए है। ठीक है, तो इसमें फिर से कैटेगरी हम बनाए हैं हमने कि ओपन के लिए भाई सिविल का पढ़ते हैं। चलो सिविल का मैं बता देता हूँ, आप बाकी पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, तो बाद में आपको काम भी आएगा। तो ओपन के लिए सिविल का था 91%, ठीक है, एससी के लिए 86%, एसटी के लिए 65%, एसटी के लिए बहुत कम है क्योंकि बहुत बच्चे बहुत कम होते हैं और इनको रिजर्वेशन भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो एनटी के लिए 89 है, ओबीसी के लिए 85। मैंने एक लगभग नोटिस किया है कि एनटी और ओबीसी का 2-5% का फर्क रहता है, लगभग सेम ही रहता है। ठीक है, तो उसके बाद अगर आपको अदर देन होम डिस्ट्रिक्ट मतलब आप लातूर से बाहर है और लातूर में एडमिशन लेना चाहते हैं, मतलब लातूर से बाहर आपने दसवीं किया है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के बाहर, ठीक है, तो ओपन 90 का क्लोज हुआ था पिछली बार, कैप राउंड 1 की बात हो रही है, ठीक है, 2020 मतलब पिछले साल का कैप राउंड 1, कैप राउंड 2 में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बढ़ भी सकता है कट ऑफ, कम भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि अप राउंड 2 में कम ही होगा। तो 90% एससी के लिए 85, एसटी के लिए 62, एनटी के लिए था 80, ओबीसी के लिए 86। अगर आपकी कैटेगरी यहाँ पर आपको नहीं दिख रही है तो कमेंट सेक्शन में आपकी कैटेगरी, कॉलेज का नाम कौन सा लेना चाहते हो, ब्रांच कौन सी लेना चाहते हो, और आपका होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये चार चीज़ें मुझे बताइए, आई विल सर्च फॉर कट ऑफ। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का ये जो कॉलम है यहाँ पर अदर देन होम डिस्ट्रिक्ट का नहीं मुझे मिला है, इसका डेटा ऑथराइज्ड वेबसाइट पे नहीं मिला है, तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया है कट ऑफ। तो अगला इम्पोर्टेंट बात जो करनी होगी यहाँ पर हमको, वो है भाई फीस स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम लोगों के लिए, फ़ीस कितनी जाएगी एक साल की। तो अराउंड मुझे फिक्स तो इस कॉलेज का नहीं मिला है, क्योंकि कॉलेज की वेबसाइट में थोड़े इश्यूज़ है, बग्स है, वेबसाइट ठीक से नहीं चल रही है, तो इसलिए मैंने
बाकी सारे गवर्नमेंट कॉलेज का जो होगा लगभग उतना ही होगा इसका, तो अराउंड 9,000 बराबर। 9,000 भी बहुत हो गया, बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज का मैंने 7,700 के आसपास, मतलब 8,000 के आसपास ही देखा है, तो मैंने मैक्सिमम 9,000 आप पकड़ के चल सकते हैं। तो EBC में, OBC में हो तो 50% उसका कर लीजिए आप, लगभग 50%, एग्जैक्ट नहीं मैं बताऊंगा, ये फीस कम ज़्यादा हो सकती है हर साल, ठीक है। SBC ST के लिए आप 1750, उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम हमेशा, वो है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। मतलब आप कॉलेज में जब जाते हो, 3 साल पढ़ाई करते हो, तो 3rd साल में कंपनियाँ कॉलेज में आती है और आपको जॉब पर ले लेती हैं, आपकी इंटरव्यू लेती है जब आप 3rd ईयर में हो। इसके लिए आपको 1st ईयर 2nd ईयर में अच्छा काम करना होगा, अच्छा पढ़ाई करके आपको स्कोर अच्छा करना होगा। जितना ज़्यादा आपका मार्क्स रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, कम से कम 60% तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इसके साथ आपका टेक्निकल स्किल भी अच्छा होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों पर आप 2 साल काम कीजिए 1st एंड 2nd ईयर, अगर आप इसमें वीक हो तो प्लेस होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप चाहो काम करो, मेहनत करो तो ज़रूर मिल, तो यहाँ पे चांसेस मिलते हैं। ये कंपनीज़ के नाम है, बजाज ऑटो है, GE एविएशन है, फिर धूत ट्रांसमिशन LNT है, वैराक इंजीनियरिंग है, लोकास है, इन्फोसिस है, महावितरण भी यहाँ पर बच्चे प्लेस करने के लिए आते हैं, ऐसा इन्होंने वेबसाइट पे लिखा है, ठीक है। तो डिपार्टमेंटल प्लेसमेंट, पहले कुछ बच्चे प्लेस हुए हैं या नहीं ये भी देखते हैं हम। तो 18-19 का, मतलब 2018 और 19 का, मतलब कोरोना पैंडेमिक के पहले का यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, 2020-21 का नहीं है, तो वही मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो सीमेन में यहाँ पे देख सकते हैं मैकेनिकल के बच्चे 160 टोटल बच्चे अपीयर हुए थे, इंटरव्यू के लिए 150 गए, बराबर। मतलब पहले एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, वो पास होते हो तो इंटरव्यू में जाते, तो 150 बच्चे गए आगे और सिलेक्ट हुए 55 बच्चे। उनको पैकेज मिला 3.2 पर ईयर का पैकेज होता है, ठीक है, 3.2 लाख पर ईयर। तो डिप्लोमा के बाद ये पैकेज, मतलब काफ़ी डिसेंट पैकेज है, ठीक है। तो LNT कंस्ट्रक्शन में देखते हैं, 20 बच्चे गए थे, 20 बच्चों का इंटरव्यू हुआ और 4 बच्चे सिलेक्ट हुए, ठीक है। उसके बाद ये ब्रांच वाइज भी आप देख सकते हो, ठीक है। इस उसके बाद बजाज ऑटो में 35 बच्चे प्लेस हुए, सिग्मा इलेक्ट्रिकल में 48, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जनरल इलेक्ट्रिक पुणे में 9 बच्चे, धूत में 31 और महालक्ष्मी एलॉयज तेलंगाना में, अभी रिजल्ट उन्होंने पेंडिंग बोला है तो बाद में उन्होंने अपडेट नहीं किया है। तो आई होप, मतलब एक आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि कॉलेज कैसा है, प्लेसमेंट है या नहीं। तो गवर्नमेंट की एक खासियत होती है यार, कहीं भी हो गवर्नमेंट कॉलेज तो एक ही प्रोसेस से फॉलो होता है, बराबर। अगर एक गवर्नमेंट में एक चीज़ फॉलो हो रही है तो दूसरे गवर्नमेंट में, वो महाराष्ट्र में भी कहीं भी हो, तो वो चीज़ वहाँ पे फॉलो होगी, बराबर, क्योंकि वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होता है। तो ये एक पॉजिटिव बात यहाँ पे हो जाती है। आई होप रिव्यू आपको काफ़ी ठीक ठाक है, आई होप आपको पूरी तरह से रिव्यू समझ आया है, और फिर भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिए। और हाँ, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, साथ ही वीडियो को लाइक करना है, और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करना है, ताकि आपको जैसे हेल्प हुआ सबको इसकी हेल्प होनी चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है। तो इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगले इसी तरीके के एक और वीडियो के साथ।